मैं जानता था माता कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्निदेव मुझे और मेरी पूंछ को नहीं जला सके। मां, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, वो भी आज विध्वंस कर आया हूं। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। मां, अब आप चिंता न करें, मुझसे यहां का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो। कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है, चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड़ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है। मां, धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है। मां, हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है, आपका साहस अनोखा और कांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी पूजा करें।